हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करने वाले, राइट? सो आई होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एज वेल एज फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज एसिड? एसिड की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट फिर भी किसी साइंटिस्ट ने कह दिया, कुछ किसी केमिस्ट ने कह दिया कि एसिड इसको कहते हैं, तो आप मान लीजिए कि हम लोग भी उसी कहते हैं। बट ये क्या है कि जो कुछ भी एसिड के बारे में कहा जाए, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी वर्च्यू है। एसिड का कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, फिर भी आइए देखते हैं जो कुछ भी कहा जा सकता है उसको हम कहेंगे। पहली चीज की एसिड का नाम सुनते ही एक आता है वर्ड की ऐसा क्या है, खट्टा, सावर, समथिंग सावर इज कॉल्ड एन टेस्ट, ये है उसके बारे में। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। ये नहीं कह सकते कि जो खट्टा लगे वो सब एसिड है, जो खट्टा लगता है उसमें एसिड होता है डेफिनेटली। सो एसिड का टेस्ट सावर होता है। दूसरी चीज क्या है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो यही करेक्टर हुआ कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एसिड। और तीसरी बात कहें कि एक वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को देता है, फर्निस करता है, फर्निस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी एक करेक्टर हो गया। ये डेफिनेशन तो नहीं हुआ है सच, बट फिर भी हम इसके बारे में ये तीन करेक्टरिस्टिक के आधार पे ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ये तीनों करेक्टर जिसमें हो उसको हम एसिड कह सकते हैं। यानी एसिड क्या है, आइए लिखते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, और उसके बाद किस किस तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है वो भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि एसिड क्या है, राइट? और एसिड किसको कहेंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन हमने दिया या देने की कोशिश की है कि एसिड क्या है, दोज केमिकल सब्सटेंस, लेट मी राइट फर्स्ट हियर, व्हाट इज एन एसिड। सो एसिड के बारे में, एसिड क्या है, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैज सावर टेस्ट टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड फर्नेस फर्नेस एच प्लस आयन इन इक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड। जैसा कि हमने कहा, ये तीन करेक्टर अगर है किसी सब्सटेंस में, कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच हैज सावर टेस्ट, राइट, एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड फर्निस एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल वी कैन से ऑरेंज, ऑरेंज, लेमन, रॉ मैंगो, राइट ना, एटसेट्रा हैज एन एसिड, राइट ना। दीज आर फ्यू सब्सटेंस व्हिच इज सावर इन टेस्ट एंड दे हैव सम एसिड्स, राइट ना। सो व्हाट टू डू इज In that, this is the first type of things, so the common substance where which contain acid. These are etc. contains acid. ये सब acid को contain करते हैं। लेकिन जो दूसरा part है इसका कि which furnishes H plus ion in aqueous solution, what is meaning of that? So इसको समझने के लिए अगर ये कहें कि जैसे H2SO4 है, इसको अगर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम फर्निश करें तो इसमें H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो H प्लस आयन, दो हाइड्रोजन है तो ये दो H प्लस आयन देंगे और सल्फेट के दो सल्फेट आयन निकल के आएगा इससे। इसलिए हम इसमें कहेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्यूशन में ये ब्रेक हो जाते हैं और ये H प्लस आयन देते हैं। सिमिलरली अगर दूसरा एक एग्जाम्पल ले लूं, कोई HCl लाइक दिस,
तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि चूंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में सिंस दे आर गिविंग दे एच प्लस आयन एंड देयर फोर दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दीज आर कैटेगराइज एंड इट इज कॉल्ड एन एसिड्स। सो सिंस एच प्लस आयन फर्निसेज, एच प्लस आयन फर्निसेज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड देयर फोर दे इज इट इज कॉल्ड एसिड। ये डेफिनेशन एसिड, ये डेफिनेशन एरिनस ने दिया था, राइट ना, तो इसलिए इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिनस कंसेप्ट। सो वी कैन राइट हियर दैट दिस इज एन एरिनस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इज एन एरिनस कंसेप्ट, राइट। आई कैन से ए डबल आर ई एच ई एन ई ओ यू एस एरिनस कंसेप्ट, ये था उन्हीं का कंसेप्ट था, ये थोड़ा साफ साफ लिख दूं, एन ई ओ यू एस एरिनस कंसेप्ट, राइट ना। तो ये उनके कंसेप्ट के हिसाब से था कि जो भी इक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देगा वो एसिड कहलाएगा, और एसिड के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब सवाल ये है कि कितने तरह के एसिड होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, राइट, कितने टाइप के एसिड होते हैं। तो एसिड के टाइप अगर बात करें तो ये कहें कि एसिड जो होता है उसके कितने टाइप होंगे। तो एसिड के अलग-अलग तरह से कैटेगराइज करके तीन टाइप के बनाए जा सकते हैं एसिड्स, राइट ना। पहला एक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, राइट, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एसिड कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरी, वन इज कॉल्ड मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड, एसिड्स। द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और इडिबल एसिड, इडिबल एसिड, इडिबल एसिड, राइट, ये एडिबल एसिड। द थर्ड इज सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वीक एसिड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सेट्रेटेड एसिड, राइट ना। तो ये सारी एसिड के क्लासिफिकेशन हैं। अब कौन से क्या है इसके बारे में वन बाय वन अब हम सीखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बेसिस ऑफ सोर्स, फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड, व्हाट इज दिस, द एसिड व्हिच इज
प्रिपेयर्ड, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स एंड अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल एसिड, एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव H2SO4, HCl, H2CO3, राइट, H2CO3, HNO3, H2SO3 एंड H3PO4 एटसेट्रा। देयर नेम्स आर बिकॉज दे आर फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड देयर नेम आर, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट ना, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस वन इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एंड दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। दिस वन इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। एंड दिस वन इज कॉल्ड फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब जो है, ये सारे के सारे जो एसिड हैं, ये सारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और ये रॉक से प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इन सबको हम कहते हैं क्या, और इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, बिकॉज इट इज फाउंड फ्रॉम मिनरल, सो दिस इज कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि या तो इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, यही है, इनको कैसे मिलता है, आगे इसकी बात करेंगे कि इसकी यूटिलिटी क्या है। दूसरा टाइप जो है वो क्या है, दूसरा जो हमें कहा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और एडिबल एसिड, एडिबल एसिड, यानी द एसिड विच इज फाउंड फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड द एसिड्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और एनिमल्स कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और एडिबल एसिड। एसिड्स फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, राइट, एंड एसेटिक एसिड एंड मलेइक एसिड, एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, राइट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। सो व्हाट आर देयर सोर्सेज, let me explain what are their sources and how work from where they are from prepared, because it is written here that they are prepared from plants or animals। to plant citric acid kisse milta hai, agar koi aap se puche to aap kya bolenge ki citric acid kisse milta hai, iska source hai lemon, ye hai inke source, theek hai, to source hai inka lemon। acetic acid vinegar se milta hai, ye vinegar se, ये मिलता है एप्पल से, ये मिलता है टैमरिंड से,
टैमरिन, और ये मिलता है कर्ड से, राइट ना। इस तरीके से ये सब जो है वो किसी न किसी प्लांट, कर्ड तो कोई प्लांट तो होता नहीं है, एनिमल से मिलेगा। इस तरह से एनिमल से मिलने वाले कुछ और भी एसिड्स हैं, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसका सोर्स होता है टोमेटो, टोमेटो इसका सोर्स होता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह से मेथनोइक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड, और इनका सोर्स क्या होता है, एंट जो होती है, एंट स्टिंग, ये इसका सोर्स होता है, और नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग से मिलता है, और नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग ये इनके सोर्स होते हैं, राइट ना। इनके सोर्स ये होते हैं, या तो एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, ये सब इनके सोर्स होते हैं। तो इस तरह से कुछ प्लांट से और एनिमल से तरह तरह के एसिड मिलते हैं, और ये सब एसिड लोग यूज करते हैं खाने में, इसलिए इसको एडिबल एसिड भी कहा जाता है, कि ये एडिबल एसिड है, इसको लोग खाते हैं और खा सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड या एडिबल एसिड कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन दो तरह के एसिड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आयोनाइज हो जाए पूरी तरह से, या पार्शियली हो, या तो फुली हो, कंप्लीटली हो, या पार्शियली हो, दो तरह से आयोनाइज होंगे। तो जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स, दोज एसिड्स व्हिच आयोनाइज कंप्लीटली, दोज एसिड्स व्हिच आयोनाइज्ड कंप्लीटली, आयोनाइज्ड कंप्लीटली, आयोनाइज्ड कंप्लीटली, व्हिच आयोनाइज्ड कंप्लीटली कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑल मिनरल एसिड्स आर, यूजली ऑल मिनरल एसिड्स आर लाइक H2SO4, राइट, HCl, राइट, एंड HNO3, H2PO3 और H2SO3, H2SO3, राइट ना, SO3, सॉरी, H2SO3 एटसेट्रा आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दैट इज कॉल्ड ऑल मिनरल एसिड्स, ऑल मिनरल एसिड्स, एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट H2CO3, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी सारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी सारे जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो आयोनाइज हो जाए कंप्लीटली, यानी किसी सॉल्यूशन में डाला जाए तो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, अलग अलग पार्ट में बट जाए, यानी H+ और SO4- या H+Cl- इस तरह से ब्रेक हो जाए, आयनाइज हो जाए कंप्लीटली, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या है, वीक एसिड ऑब्वियस बात है कि जो पूरी तरह से आयनाइज ना हो, दोज एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स, कॉल्ड वीक एसिड्स इफ इट आयोनाइज
आयोनाइज्ड पार्शियली, पार्शियली, ठीक है, आयोनाइज्ड पार्शियली. फॉर एग्जाम्पल, ऑल एडिबल एसिड्स, ऑल कार्बोनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, वीक एसिड्स, राइट ना. ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है, एडिबल एसिड्स है, ये वीक एसिड है. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इसको हम खा नहीं सकते. ये चूंकि वीक होता है तभी हम इसको खाते हैं, इसको एडिबल एसिड कहते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड होता है. अब नींबू का रस किसी के चेहरे पे लगाने से उसका चेहरा जलेगा नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया जाए तो उसका चेहरा झुलस जाएगा. इवन कपड़े के ऊपर गिर जाए तो वहां पे वो भी जो है वो जल जाएगा. तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ये फर्क है कि जो वीक एसिड होता है वो एडिबल होता है और ये पार्शियली आयोनाइज होता है, नॉट आयोनाइज, आयोनाइज पार्शियली, राइट ना. तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आयोनाइज पार्शियली. तो इसके एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, वही अभी जो हमने किया था, क्या क्या, साइट्रिक एसिड, यू नो, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जितने भी अभी हमने सीखा था. साइट्रिक एसिड दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्या याद हो, ऑक्जेलिक एसिड, राइट, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, यू नो, एसिड्स, ये सब जो होते हैं ये क्या है, ये सारे के सारे वीक एसिड है, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब जो है वीक एसिड है. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और भी नाम है तो आप लिख सकते हैं, वो सारे क्या है, वीक एसिड है. तो ये सब पूरा पार्शियली आयोनाइज होते हैं. तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सो व्हाट आर दोज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. पहला जो है वो है हमारा क्या, डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि इसमें पानी मिलाया हुआ होता है. इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज पुअर. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड इज वेरी लो, इज वेरी लो, देन एसिड इज कॉल्ड, एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड. सो इसमें वाटर की कॉन्टेंट ज्यादा होती है. द वाटर कॉन्टेंट इज मोर देन द एसिड्स, दैट इज द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इज मोर देन एसिड. सो वेन एवर वी हैव नीड टू डाइल्यूट एसिड वी शुड एड वाटर. सो टू डाइल्यूट एसिड वी नीड टू एड वाटर. टू डाइल्यूट एसिड वाटर कैन बी एडेड, कैन बी एडेड इन टू इट, एडेड इन टू इट, ठीक है. तो हर एक एसिड को डाइल्यूट किया जा सकता है, कोई अलग क्लास नहीं है एसिड का. उसमें क्या करेंगे कि उसमें हम वाटर डाल देंगे. ज्यादा वाटर डालने का मतलब ज्यादा डाइल्यूट होना, ठीक है ना. सो जितना ज्यादा वाटर डालोगे उतना ज्यादा डाइल्यूट होता रहेगा. तो ये होते हैं डाइल्यूट एसिड. किसी भी एसिड को डाइल्यूट किया जा सकता है. अब उसमें हम परसेंटेज बोलते हैं, कितना परसेंट, 10% डाइल्यूट एसिड. इसका मतलब है कि एसिड कॉन्टेंट जो है, 10% डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ ये कि 10% उसमें एसिड है और बाकी चीजें क्या है, वो वाटर है. तो इस तरीके से हम परसेंटेज में डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना एसिड है कितना वाटर है. 5% का मतलब हुआ ओनली 5% आर देयर एसिड्स एंड रिमेनिंग आर वाटर. सो वाटर और एनी अदर थिंग्स, ठीक है, सॉल्वेंट. तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड. दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड,
और इफ द कंटेंट, इफ द पार्ट ऑफ और ये लिख रहे कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर, concentration of acid is more, that is high, then acid is called concentrated acid, concentrated acid. इसमें water content कम होता है, concentrated acid, right? तो जिसमें एसिड की यूनिट ज्यादा हो और वाटर की यूनिट कम हो तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे, और ये बहुत ही डेंजरस होता है, राइट ना? सो इट इज डेंजरस टू हैंडल, इट इज डेंजर, टू हैंडल, किसी कहीं पे भी किसी भी स्किन पे जल जाए तो बर्निंग सेंसेशन होती है, इट क्रिएट्स बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, राइट ना? इसलिए किसी के चेहरे वगैरह पे अभी देख रहे हैं एसिड अटैक होता है, लोग चेहरे पे डाल देते हैं तो चेहरा पूरी तरह से क्या होता है, जल जाता है. इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब भी हम लैब में काम करते हैं इससे, तो लैब कोट वगैरह पहन के और पूरा प्रॉपर एक हैंडल से और पकड़ के और इसको हम डील करते हैं, ऐसे हाथ से टच नहीं किया जा सकता. तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है. इसमें एसिड की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है और वाटर की कंटेंट बहुत कम होती है. तो इस तरह से एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में आपने सीख लिया, राइट? अब ये एसिड रिएक्शन कैसे करता है, तो थोड़ी सी इसके रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर ये कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन अभी हमें एक लिमिटेड जानकारी के लिए तीन ही प्रॉपर्टी पढ़नी है. पहला रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ एसिड का कैसा रिएक्शन होता है ये बात हमें सीखना है कि मेटल के साथ इनके रिएक्शन कैसी होती है, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा है. तो सम ऑफ द मिनरल एसिड, सम ऑफ मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, एसिड्स लाइक HCl एंड H2SO4 एटसेट्रा, HCl H2SO4 etc. can react with active metals, can react with active metals like iron, zinc, etc. and form there and evolve hydrogen gas. इसके डाइल्यूट फॉर्म में ही होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, यानी ये जो होता है इसका डाइल्यूट फॉर्म जो होता है, डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट, आप चाहे तो लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों फॉर्म के डाइल्यूट में भी रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट फॉर्म में. सो आप ये कहें कि जैसे Zn में HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, अगर हम Zn में Zn प्लस HCl से क्या मिलेगा, तो इसका ये पॉजिटिव आयन एसिड है तो हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा ही करेगा, तो इसलिए Zn Cl2 प्लस H2 गैस, ये गैस रिलीज होगी, इसलिए G लिख देते हैं. ये है HCl, ये इक्वस सॉल्यूशन होता है, सो इक्यू लिख सकते हैं, ये तो मेटल है ये सॉलिड होगा,
ये सॉलिड होता है, ये एक्वस है, ये जिंक क्लोराइड, ये बनेगा जिंक क्लोराइड, क्लोराइड ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से अगर इसी जेडन को मैं जैसे कहा कि सल्फेट से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, जेडन प्लस H2SO4, ये भी मिल जाएगा ZnSO4 प्लस H2, तो ये होगा। अभी बैलेंस नहीं है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन होने के लिए यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे Zn प्लस ZnSO4 और H2, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। ये है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ठीक है, ये तो आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भी इक्वल सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है। तो इस तरीके से Zn के साथ रिएक्शन करेगा। इसी तरह से और भी अगर रिएक्शन कराना चाहूं कि ये है फेरस आयरन, आयरन को अगर HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या मिलेगा, आयरन के साथ भी अगर हम रिएक्शन करा तो जैसे ZnCl2 बना वैसे ही FeCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये हो गया फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड क्लोराइड, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है आयरन ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ये इक्वस स्टेट में है ना, और ये क्या बनेगा, ये भी इक्वस स्टेट में होगा ठीक है ना, ये भी इक्वस स्टेट में होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब सवाल है कि दूसरा कि ये मेटल के ऑक्साइड से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ठीक है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा, ये अब हम सीखना चाहेंगे कि दूसरा जो पॉइंट है वो है कि रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स सम ऑफ मेटल ऑक्साइड विद सम ऑफ मेटल ऑक्साइड, सारे मेटल ऑक्साइड्स नहीं, सम ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, लेट मी राइट हियर, सम ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर कैसे, जैसे MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसके साथ HCl का रिएक्शन करवाएं तो बनेगा MgCl2 प्लस H2O ठीक है, MgCl2 प्लस H2O, कार्बन यहाँ पे क्लोरीन दो है तो इधर दो क्लोरीन होना चाहिए, दो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक मैग्नीशियम हो गया ठीक है, तो ये मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये है सॉल्ट, सॉल्ट ये है ठीक है, और ये हो गया वाटर। तो ऐसा ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये तो आपको पता ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर रिएक्शन करे तो ये बनाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये मान लूं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ H2SO4 का रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या मिलेगा, CSO4 ठीक है प्लस H2O, यहाँ पे भी मिलेगा, तो ये अब इसको बैलेंस करें तो H2O, H2 यहाँ 2 है, O यहाँ पे है 4, यहाँ पे एक O है 4, 1, 5, यहाँ पे 5, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 2 है, सब कुछ बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया सॉल्ट ठीक है, और ये क्या है वाटर, ये क्या है
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये इस तरह से रिएक्शन करते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ HCl का रिएक्शन करवा दें तो ये भी बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaO, लेट अस राइट हियर CaO प्लस HCl, ये मिलेगा CaCl2, राइट CaCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CaCl2 दो क्लोरीन हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड एंड वाटर, वाटर इज फॉर्म, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन कई सारे आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है, एक दो लिखना काफी है, मैं नॉलेज डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा लिख के दे रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन करने पर ये मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और तरह तरह की जो है वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ये मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट जिसको हाइड्रोजन बार को बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट इसी को कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इनके साथ रिएक्शन करके क्या मिलेगा, राइट, सो व्हेन एसिड रिएक्ट, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस, राइट, कैसे, तो एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 प्लस प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये निकल के आएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ व्हाट दे मेड, दे मेड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, सो दिस विल रिलीज, इसका मतलब ये हुआ, आप इसको बैलेंस कर लें, सी ए एक है, इधर सी ए एक है, कैल्शियम दो है, क्लोराइड दो है, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए, दो हो गए, हाइड्रोजन दो हो गए, हाइड्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन दो एक तीन, ऑक्सीजन तीन, कार्बन एक, कार्बन एक, ठीक है, सो ये बैलेंस हो गए। इस तरह से और भी रिएक्शन ये करें, जैसा कि हमने कहा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, HCO3 जो हो गया ये बाइकार्बोनेट होता है, इसकी जो होती है फ्रॉम वैलेंसी वन होती है और कैल्शियम की टू होती है, इसलिए इससे रिएक्शन हो जाएगा प्लस HCl, तो क्या मिलेगा, अब इधर से भी अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, लेकिन क्या कैसे, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब यहां पे देखिए ध्यान से, तो कैल्शियम यहां पे कितने हैं, एक है, यहां पे कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन दो और एक तीन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है और तीन तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर हो जाएंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू और टू मिलके फोर हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन दो है यहाँ पे, तो कार्बन क्लोरीन दो हो गए, यहाँ से कार्बन दो है तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन हो गए चार, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तीन दूनी छह, तो यहाँ दो और यहाँ से चार छह, ठीक है, अब बैलेंस हो गया। ये है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस तरह का ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आज के लिए काफी है, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगली क्लास में फिर इससे आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एसिड क्या है, एसिड के कितने टाइप होते हैं, किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ एक ही है कि एसिड क्या है, टेस्ट में खट्टा लगता है, टेस्ट है सावर टेस्ट। सो आई होप यू गॉट इट एंड यू एंजॉयड दिस वेल, सो थैंक यू वेरी मच, अगेन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ एसिड एंड ऑल अबाउट द प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग द एसिड्स, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बेस एंड ऑल अदर आइटम्स। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू, गॉड ब्लेस, बाय बाय।